Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we discuss about the network topology and their types. First of all, I would like to discuss the topology. Topology of a network is a geometric representation. Geometric representation, physical representation of the relationship among the interconnected devices. The devices ek dusre ke saath physically kis tarah connect hote hain. हमारे पास यहाँ पे हम 9th क्लास का पीडीपी के मुताबिक चल रहे हैं, पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड के मुताबिक, तो हम यहाँ पर इसकी 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके और भी होते हैं, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, दो और भी है, मगर हमने यहाँ पर मेजर जो डिस्कस करनी है वो 4 डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले है कि हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें एक केबल जा रही है जिसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। इसको बैकबोन ऑफ द सच टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस केबल के साथ, इस तार के साथ दूसरी डिवाइसेस अपने अपने नेटवर्क के साथ क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। अब बस टोपोलॉजी जो है इजी टू इंस्टॉल होती है, क्योंकि देखें सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल केबल है उसके साथ दूसरी डिवाइसेस क्या हो रही हैं, अटैच हो रही हैं। अब इसमें यह मसला आ सकता है कि अगर सपोज यहां पे जो स्मॉल नेटवर्क है, नेटवर्क ए है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो सकता है, दूसरी जो नेटवर्क है वो चलते रहेंगे, और अगर ये बैकबोन केबल या कोएक्सियल केबल ही डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी इसमें कोई कोलैप्समेंट आ जाए या तार खराब हो जाए, तो तमाम का तमाम नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे मतलब ये हुआ कि अगर इंडिविजुअल जो है कनेक्शन वो डिस्टर्ब हो तो तमाम नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। और अब ये अगर बैकबोन केबल डिस्टर्ब हो जाती है या कोएक्सियल केबल डिस्टर्ब हो जाती है तो तमाम का तमाम नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। ये एक सिंगल डिवाइस होती है, शेयर्ड कम्युनिकेशन इसमें होती है, और ये क्या होती है, इजी टू इंस्टॉल होती है। एंड द नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। हमारे पास जो अदर है वो दूसरी कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि इसकी आप शेप भी देख रहे हैं, डायग्राम भी देख रहे हैं, एक स्टार की तरह ही बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि इसमें मेन हब होता है। ये क्या है, आप इसको हब भी कह सकते हैं और इसको हम स्विच भी कह सकते हैं। इस हब या स्विच के साथ दूसरी तमाम डिवाइसेस क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। अब इसका एडवांटेज ये है कि अगर ए ने अपना कोई मैसेज भेजना है स्पॉट डी को, तो वो क्या करेगा, पहले हब को अपना पैगाम भेजेगा, हब आगे क्या करेगा, उस पैगाम को, उस मैसेज को डी को भेजेगा। असल में इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारा रोल किसका है, हब का। अगर हब ही जो कि डिसएडवांटेज की बात है, अगर हब ही डिस्कनेक्ट या इसमें कोई खराब है तो तमाम का तमाम नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। क्यों, क्योंकि हब के जरिए ही तमाम डिवाइसेस कनेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। और अगर कोई इंडिविजुअल इसमें, इंडिविजुअल मैं सपोज कहता हूं हमारे पास ये एक नेटवर्क है, अगर ये डिस्टर्ब होता है तो दूसरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा, वो चलता जाता है। ये भी इजी टू इंस्टॉल है, कंज्यूम मोर केबल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टोपोलॉजी में इतने केबल इस्तेमाल नहीं हुई, जबकि हब में क्या है, जो स्टार टोपोलॉजी में क्या है, हब के साथ यानी कि दूसरे डिवाइसेस के साथ तारें जो केबल है ये यूज हो रहे हैं, जो कि मोर कंज्यूम करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, कंज्यूम मोर केबल देन फर्स्ट टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के ज्यादा, इस पर ज्यादा टोपोलॉजी के पास चार टोपोलॉजी में केबल इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो है रिंग टोपोलॉजी। अगर आप रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक रिंग फॉर्म हो रही है। ये क्या हो रही है, एक रिंग फॉर्म। अब इसमें क्या है, इसको टोकन पासिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। बुक में तो ये मेंशन नहीं है, वैसे इसको टोकन पासिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि हर नेटवर्क अपनी नेबरिंग नेटवर्क के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। हर नेटवर्क अपनी नेबरिंग, अगर सपोज ये तो इसका नेबर ये है, अगर ये नेटवर्क तो इसका डिवाइस जो कनेक्ट हो रही है इसके साथ, ये नेबर है इसके साथ, तो हर एक डिवाइस दूसरी नेबरिंग के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब इसमें दो डायरेक्शंस हम पढ़ते हैं, एक होती है अनडायरेक्शनली और एक होती है बाई डायरेक्शनली। अगर हम बाई डायरेक्शनली की बात करें तो ये क्लॉकवाइज भी होगी और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की बात करें तो इस डायरेक्शन को, जैसे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक की बात करें तो इस डायरेक्शन को, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को। और अनडायरेक्शनली का मतलब होता है जिस मर्जी डायरेक्शन में ये चल सकती है, मगर मोस्टली ये जो नेटवर्क है, जो रिंग टोपोलॉजी है, ये इस डायरेक्शन में चलती है क्लॉकवाइज, जैसा कि ये रेड
बात करें तो अगर इसमें सपोज ये नेबरिंग ये वाला कनेक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आगे ये नेटवर्क आगे ट्रांसफर कोई भी मैसेज ट्रांसफर नहीं करेगा। यानी कि अगर इसमें कोई एक नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, दो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, तो तमाम का तमाम नेटवर्क क्या हो जाएगा डिस्टर्ब, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये क्या है कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास